Ramdas Atwade, brief please, because I have other business and everything has to be closed before 7 o'clock. Ramdas ji, kahan? हाँ रामदास जी बोलिए। सभापति महोदय, आज का दिन हमारे लिए बहुत बड़े लोकतंत्र को मजबूत करने वाला दिन है। रघुवंश बाबू जी को आज दूसरे बार उप सभापति चुनने का मौका इस हाउस को में मिला है, और होटिंग तो हुआ नहीं है, लेकिन मनोज झा जी ने मतलब अपनी उम्मीदवारी पीछे लेने के बाद एक मत से मतलब उप सभापति पद पर हमारे हरिवंश बाबू का चयन हुआ है। मैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की ओर से मैं उनको हमेशा रखूंगा याद। मैं देता हूँ रघुवंश बाबू को धन्यवाद, तो उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। और मुझे बहुत बड़ी उम्मीद है, आशा है, जिस तरह माननीय वेंकैया नायडू जी और हरिवंश राय की थी दो हौसों की जोड़ी, इसलिए सही दिशा से चल रही थी राज्यसभा की गाड़ी। मुझे मालूम है ये दोनों की नाड़ी, मुझे मालूम है ये दोनों की नाड़ी, इसलिए मैंने बढ़ाई ये दाढ़ी। तो आज एक बहुत मुझे आपने भी और रघुवंश बाबू जी ने भी मुझे जब 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 मुझे नहीं हरिवंश बाबू हरिवंश बाबू हरिवंश बाबू ही बोल रहा हूँ मैं हरिवंश बाबू जब जब मुझे आपने और हरिवंश बाबू ने मुझे दे दिया था बोलने का मौका, तब तब मैंने मार दिया था चौका। कभी कभी मैं मारता था छक्का, कभी कभी मैं मारता था छक्का, और मैं दे देता था विरोधी दलों को धक्का। तो इस तरह मतलब मुझे बहुत बार आपने मौका दिया है। मेरी पार्टी छोटी पार्टी है, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जी की पार्टी है और लोकतंत्र को मजबूत करने वाली पार्टी है। बाबा साहब के संविधान के मुताबिक ये राज्यसभा चलती है, लोकसभा चलती है, और इसीलिए मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं हरिवंश बाबू जी को मैं हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। जय भीम, धन्यवाद।